देखते रहिए UBN 08 गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। आज राधोगढ़ से जयवर्धन सिंह ने नामांकन फार्म भरा, साथ ही चाचौड़ा से पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने फार्म भरा। फार्म भरते समय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साथ में रहे। देखते रहिए UBN 08 ताज़ा खबरों के लिए। कर्मचारी परेशान हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, दादागिरी से त्रस्त है। कोई काम बिना लिए दिए नहीं होता और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी लंगर बच चुकी है। लोग छोड़ छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं और जिस प्रकार से मोहन जी दौड़ और सरदार सिंह जी को अपमानित किया जा रहा है, ये अपने आप में निंदनीय है। और ये शिवराज सिंह की मानसिकता बता रहे कि वे बुजुर्गों की अपनी ही पार्टी में इज्जत करना नहीं चाहते। चुनाव जैसे माना कांग्रेस की कुतवा आपने नॉमिनेशन फाइल किया, एक बार दोबारा क्या सरकार क्या स्थिति रहेगी, आगे क्या बनेगी, क्या तैयारियां आपकी? पूरे प्रदेश में माहौल बदला हुआ है, लोग बहुत त्रस्त हैं अपने शासन से। जो वादे बहुत करती है लेकिन वादे नहीं निभाती। 21,000 घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री जी की, जिसमें से 10% भी पूरा नहीं करते और केवल भाषणबाजी के अलावा उनकी कोई उपलब्धि नहीं रही। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, किसानों को भाव नहीं मिल रहा है, सोयाबीन का भाव 3,399 रुपए है लेकिन मजबूरी में किसान को 2,800-2,900 में सोयाबीन बेचना पड़ रहा है। जो न्यूनतम मूल्य है उससे कम में बिक रहा है। भावांतर योजना पूरी तरह से असफल है, नरेगा का पेमेंट नहीं हो रहा है, सबसे पहले तो आज धनतेरस के शुभ अवसर पर सभी को आपकी शुभकामनाएं। और आज से 2 दिन बाद दीपावली है, दीपावली के पावन पर्व पर सभी के घरों में लक्ष्मी विराजमान रहे और सदैव सुखी रहे, यही हमें विश्वास करते हैं।